नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और सब्जेक्ट कोड आपके सामने जिसका एग्जाम आपका कल सुबह होने वाला है। ध्यान से समझना, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा कल के एग्जाम में 100% आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल देखिए आपको क्या कोड दिखाई दे रहा है, BGG 173 आपके सामने सब्जेक्ट कोड है और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैं यहाँ पर आपको कवर कराऊंगा कल के एग्जाम में। यहाँ से 100% सवाल आपके देखने के लिए आपको मिलेंगे। जो हम पढ़ाते हैं एग्जाम में सामान्यतः वही आता है। तो ब्रीफली समराइज करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर चलेंगे। कोई भी डाउट तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्योंकि इसका नाम है एकेडमिक राइटिंग, तो बताइए एकेडमिक राइटिंग और नॉन एकेडमिक राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको डिफरेंस करके दिखाया कि एकेडमिक राइटिंग और नॉन एकेडमिक राइटिंग में क्या अंतर होता है। क्लियर दोस्त, यहाँ तक किसी को परेशानी तो नहीं? एकेडमिक राइटिंग सामान्यतः आप देखेंगे एकेडमिक फील्ड के लिए की जाती है, जबकि नॉन एकेडमिक राइटिंग जो होती है वो नॉन एकेडमिक फील्ड के लिए की जाती है। अब देखिए डिफरेंस क्या है। सबसे पहले पर्पस की यदि बात करें तो एकेडमिक राइटिंग का पर्पस जो होता है सिर्फ इन्फॉर्म करना होता है, एनालाइज करना होता है, स्पेसिफिक फील्ड से संबंधित होती है और नॉलेज को गेन करना होता है। आप फॉर एग्जांपल आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स देख लीजिए, जो स्कूलों के अंदर आप बुक्स पढ़ते हैं दोस्तों, वो एकेडमिक राइटिंग का ही पार्ट्स होती हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, नॉलेज देती हैं, ये हमारी एकेडमिक राइटिंग कहलाती है। इसके अलावा एकेडमिक राइटिंग हमेशा फॉर्मल होगी। फॉर्मल मतलब यहाँ पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी वो औपचारिक भाषा होगी, है ना, तू तड़ाक वाली भाषा नहीं होती, औपचारिक भाषा यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगी एकेडमिक राइटिंग जो होती है हमेशा आप कहेंगे प्रीसाइज यानी छोटे फॉर्म में होती है। टेक्निकल वोकैबलरी इसमें हो सकती है। आप कहेंगे सर इसमें क्या हो सकता है, टेक्निकल वोकैबलरी आपको देखने के लिए मिलेगी। टेक्निकल वोकैबलरी की बात करें तो क्या होती है टेक्निकल वोकैबलरी, मान लीजिए अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड से आए तो कंडक्टर हो गया, है ना, आप कहेंगे सर्किट हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी हो गया। अगर आप मान लीजिए किसी और फील्ड से हैं, जैसे मान लीजिए आप वकील हैं, तो आईपीसी हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो जो टेक्निकल वर्ड हैं ये डिफरेंट फील्ड के अलग अलग होते हैं, इसलिए एकेडमिक राइटिंग में आपको टेक्निकल वर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं। याद रखना एकेडमिक राइटिंग का हमेशा क्या होता है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिसमें पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन, ठीक है। इसके अलावा सामान्यतः आप देखेंगे यहाँ पर हेडिंग और सब हेडिंग का भी यूज किया जाता है। किसमें, एकेडमिक राइटिंग में। मैंने कहा ना अगर एकेडमिक राइटिंग का एग्जाम्पल उठाना तो आप कोई भी एनसीईआरटी किताब उठा लीजिए, वो आपकी एकेडमिक राइटिंग ही होगी। एकेडमिक राइटिंग में आपके आते हैं रिसर्च पेपर्स, आप कह सकते हैं जर्नल आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स भी आपके क्या होते हैं एकेडमिक राइटिंग के अंदर ही होते हैं, जो हमारे एकेडमी में फोकस करें, हमारी एकेडमिक नॉलेज को बढ़ाने में फोकस करें, ऐसी राइटिंग को हम एकेडमिक राइटिंग कहते हैं। क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं? फिर आता है इसका नॉन एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, ठीक इसका उल्टा होगी। उसका क्या होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ आप कहेंगे स्पेसिफिक फील्ड के लिए होती है एकेडमिक राइटिंग। मान लीजिए इंजीनियरिंग फील्ड, आप कहेंगे डॉक्टरी फील्ड, मेडिसिन फील्ड, या फिर आपके क्या कह सकते हैं आप लॉ फील्ड, तो स्पेसिफिक फील्ड के लिए होती है। लेकिन ये जनरल ऑडियंस को टारगेट करके लिखी जाती है। इसका सिर्फ उद्देश्य क्या होता है, जनरल ऑडियंस को टारगेट करना, जनरल ऑडियंस में नॉलेज को बढ़ाना, उन्हें इन्फॉर्म करना, ठीक। इसके अलावा ये इनफॉर्मल होती है, इट मीन्स आप कह सकते हैं इसमें ह्यूमर और इमोशन भी हो सकते हैं। ह्यूमर मतलब आप कहेंगे हंसी मजाक और इमोशन मतलब भावनाएं। इस प्रकार की राइटिंग में स्टोरी वगैरह भी शामिल होती हैं। क्लियर, याद रखना एक बात और, इसमें इसमें स्लैंग लैंग्वेज का और फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। स्लैंग का मतलब आपको पता ही है, ऐसी भाषा जो कि फॉर्मल नहीं होती, और साथ साथ आप कहेंगे इसमें ढेर सारे आप फिगर ऑफ स्पीचेस का भी यूज कर सकते हैं। साथ साथ आप कहेंगे सर जो भी आपकी नॉन एकेडमिक राइटिंग होती है ये नरेटिव यानी स्टोरी टाइप भी हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, परसुएसिव भी हो सकती है। लेकिन मेन बात इसकी ये है, जैसे मान लीजिए कोई न्यूज आर्टिकल है आपका, ब्लॉग है आपका, सोशल मीडिया पर आप कोई पोस्ट कर रहे हैं, कोई ईमेल आप कर रहे हैं, सभी नॉन एकेडमिक राइटिंग होती है, क्योंकि इट रिलेटेड टू डिफरेंट वेराइटी ऑफ फील्ड, है ना, डिफरेंट फील्ड से क्या होते हैं रिलेटेड होती है आपकी नॉन एकेडमिक राइटिंग। ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में छपेगा, इसे नोट कर लेना, ट्रिपल स्टार में इस क्वेश्चन को देता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक राइटिंग और नॉन एकेडमिक राइटिंग। क्लियर, यहां तक किसी को समस्या तो नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल सर। आगे देखिए द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, आप ही बताइए जब हमको राइटिंग कर रहे होते हैं तो हम कौन कौन से प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। तो मेनली आपको मैंने पहले भी कई बार पढ़ाए हैं, तीन ही स्टेप्स होते हैं जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं अपनी राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं। पहला स्टेप होता है प्री राइटिंग, लिखने से पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसे प्री राइटिंग आप कहेंगे। इसमें क्या क्या आपको करना होता है, ब्रेन स्ट्रोमिंग, मान लीजिए जिस भी टॉपिक पर आप लिख रहे हैं उसका मेन आइडिया आपको डेवलप करना पड़ेगा। प्री राइटिंग का मतलब होता है लिखने से पहले की तैयारी। सबसे पहले आपको ब्रेन स्ट्रोम करके जिस भी टॉपिक पर आप लिखने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में आपको ब्रेन स्ट्रोम करना होगा, मेन मेन फैक्ट को बाहर निकालना होगा, ठीक। इसके अलावा आपको रिसर्च करनी पड़ सकती है और आपको आउटलाइनिंग करनी पड़ सकती है अपने टॉपिक के बारे में। जो भी आपका टॉपिक या आइडिया है उसके मेन पॉइंट्स को आपको सोचना होगा, है ना, ढूंढना होगा, कलेक्ट करनी होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन।
फिर आता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, यहां पर आप पेन एंड पेपर के थ्रू क्या करते हैं दोस्तों, अपनी राइटिंग को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। प्री राइटिंग में आपने सारी प्लानिंग कर ली, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, इसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। और तीसरा प्रोसेस होता है द प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग में, तीसरा स्टेप क्या होता है, रिवाइजिंग एंड एडिटिंग, यानी जो आपने लिखा है उसे रिवाइज कीजिए, रिफाइन करिए अपने वर्क को, कोई उसमें गलती है तो गलतियों को हटाइए, रिवाइज कीजिए, और गलतियां हैं नहीं है, कुछ चीज एडिट करनी है तो आप एडिट कर लीजिए, कुछ चीज ऐड करनी है ऐड कर दीजिए, कोई चीज हटानी है हटा दीजिए, फोकस कीजिए, ग्रामर सही होनी चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, पंक्चुएशन मार्क सही इस्तेमाल किए जाने चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं सर प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग के कितने स्टेप्स होते हैं, आप कहेंगे सर थ्री स्टेजेस होती हैं, ये सवाल एग्जाम में आता है, तीनों स्टेजेस मैंने आपको बता दी, प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग और साथ साथ एडिटिंग रिवाइजिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन पर भी ट्रिपल स्टार मैं दूंगा, कल के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां तक किसी को समस्या परेशानी तो नहीं, आप कहेंगे डन सर, यहां तक हमें कोई भी समस्या कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। आगे देखिए, फिर आता है आपका एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। मैंने कितनी बार आपको बताया एक्सपोजिटरी टेक्स्ट शब्द बना है एक्सपोज से, और जब हम किसी को एक्सपोज कर रहे होते हैं तो उसको पूरा आप क्या कहते हैं, फुली एक्सप्लेन हम करते हैं। तो इट एम्स टू इन्फॉर्म, इसका एम होता है इन्फॉर्म करना और लोगों को एजुकेट करना। लोगों का मतलब यहां पर किससे, रीडर से, किसी भी टॉपिक के बारे में यह हो सकती है एक्सपोजिटरी राइटिंग। इसका फोकस किन किन चीजों पे होता है, इसके फीचर्स क्या क्या है, फोकस ऑन फैक्ट, ये हमेशा फैक्ट पर फोकस करती है। फैक्ट मतलब ये हमेशा ओपिनियंस को नहीं लेगी, बिलीफ्स को नहीं लेगी, बायसेस को नहीं लेगी, फैक्ट सच्चाई जो है उसी पर एक्सपोजिटरी राइटिंग लिखी जाती है, ट्रूथ पर लिखी जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। साथ साथ आप कहेंगे सर जो एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है वो क्लियर होती है और वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, मतलब लॉजिकल सीक्वेंस आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, इजी टू अंडरस्टैंड ये राइटिंग होने वाली है। यहां पर कभी भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपके अटपटी लैंग्वेज नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं अटपटा स्ट्रक्चर है कहीं से कुछ भी उठा के लिख दिया, नहीं, एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है बिल्कुल सिस्टमेटिकली लिखी जाती है और साथ साथ वेल स्ट्रक्चर्ड आपकी होती है। इसमें तीन स्टेप होते हैं, एक होता है आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट होता है बॉडी पैराग्राफ और तीसरा होता है कंक्लूजन। सिमिलर लाइक सबसे पहले आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, बिल्कुल सही बात है, फिर आप उसके की पॉइंट्स यानी कि मेन पॉइंट्स बताएंगे और लास्ट में आप उसे क्या करेंगे दोस्तों, समराइज करेंगे। क्या करेंगे आप लास्ट में उसको समराइज करेंगे। तो ये तीन जो स्टेप आपके होते हैं ये आपका क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है एक्सपोजिटरी राइटिंग का। यहां तक किसी को समस्या तो नहीं, तो याद रखिए जो आपकी एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है हमेशा फैक्ट पर फोकस करती है, क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड होती है। ऑर्गेनाइज कितने स्टेप्स में होती है, तीन स्टेप्स में, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होगा, प्रॉपर मेन पॉइंट्स लिखे जाएंगे और साथ साथ आप कहेंगे सर क्लियर एंड कंसाइज कंक्लूजन लिखा जाएगा, जिसमें पूरे ही राइटिंग को क्या किया जाता है, समराइज किया जाता है। और ये इट्स एन इंपोर्टेंट टॉपिक है ना, ये टॉपिक भी आपके एग्जाम में कल छपने वाला है दोस्त। चलिए आगे देखिए, साथ साथ आप कहेंगे सर एक्सपोजिटरी राइटिंग में आपको ऑब्जेक्टिविटी मिलेगी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब जैसा जो है एज इट इज लिखा जाएगा। इसमें याद रखना एक्सपोजिटरी राइटिंग यूज अ फॉर्मल और ऑब्जेक्टिव टोन होती है इसकी। इसमें फोकस किया जाता है इन्फॉर्मेशन को एज इट इज प्रेजेंट करने का न्यूट्रल फॉर्म में। न्यूट्रल फॉर्म का मतलब यहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आप इन्फॉर्मेशन के साथ कोई भी छेड़छाड़ यहां पर नहीं कर सकते। जैसी कोई इन्फॉर्मेशन है एज इट इज उसको यहां पर आपको लिखनी होगी। किसी भी टॉपिक के बारे में आपकी खुद के क्या राय है, लोगों की क्या राय है, मैटर नहीं करती। एज इट इज टॉपिक को न्यूट्रल वे में आपको लिखना पड़ता है, इसे ऑब्जेक्टिव टोन कहते हैं हम, सब्जेक्टिव नहीं होती। प्रीसाइज लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर नपी तुली भाषा है, स्पेसिफिक आप कहेंगे डोमेन स्पेसिफिक वोकैबुलरी यहाँ पर यूज होती है और प्रीसाइज फॉर्म में लिखा जाता है, छोटे फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन क्लियर कट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ऐसा है, थोड़ा पकड़ूंगा खींच के पकड़ूंगा, वही हिसाब किताब होता है आपका एक्सपोजिटरी राइटिंग का दोस्त। क्लियर, यहां तक किसी को कोई समस्या परेशानी तो नहीं। कल की क्लास कल के एग्जाम में आपको सारे ही क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन आता है बिजनेस प्रपोजल पर, बिजनेस प्रपोजल के अंदर कौन कौन से आप कहेंगे एलिमेंट्स या फिर सेक्शंस होते हैं। आप सभी को पता, मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है या फिर मेरी कोई कंपनी है और तो एक थर्ड पर्सन मेरे पास एक प्रपोजल लेके आता है डील के लिए, इसे बिजनेस प्रपोजल कहते हैं। मान लीजिए डील के लिए कुछ लेके आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि आके मुझे सारी बातें बताएगा, वो कोई फाइल भी लेके आएगा, कोई ड्राफ्ट भी बना के लेके आएगा अपने प्रपोजल का। तो उसी ड्राफ्ट के कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसे टाइटल पेज, टाइटल पेज पर क्या लिखा होगा, उसका प्रपोजल टाइटल लिखा होगा कि वो उससे क्या चाहता है, इन्वेस्टमेंट चाहता है, प्रॉफिट में हिस्सा चाहता है, शेयर होल्डर बनना चाहता है, पार्टनर बनना चाहता है क्या, और अपनी कंपनी का नाम और डेट भी उस पर लिखी होगी। साथ साथ आप कहेंगे सर टेबल ऑफ कंटेंट भी उस फाइल में बना होगा कि जो प्रपोजल है इसके अंदर क्या क्या सेक्शंस उसने डाले, उसका टेबल ऑफ कंटेंट, क्या शर्तें उसकी रहेंगी, क्या क्या काम वो करेगा, किस लेवल का व्यक्ति वो कंपनी में, हैसियत क्या रहेगी उसकी, एटसेट्रा, जितने भी आर्टिकल वो डालना चाहे उस पूरी फाइल के अंदर डाल सकता है। आपने देखा होगा कई बार आपको मूवीज में भी दिखाया जाता है, बिजनेस प्रपोजल आता है तो पूरी एक फाइल आती है 8-10-20 पन्नों की, उसमें पहली चीज क्या होती है आपकी टाइटल पेज, दूसरा होता है टेबल ऑफ कंटेंट जहां पर मेन पॉइंट्स होते हैं, फिर आती है समरी,
फिर जहां पर आपका जो बेसिक प्लान है, जो क्या है दोस्तों आपका प्लान है, उसको क्या किया जाता है, एंटायर प्रपोजल को क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है कि वास्तव में मेरा प्रपोजल क्या है और ये किस तरीके से आपको बेनिफिट रहने वाला है। एक चीज होती है कंपनी का बैकग्राउंड, ये ऑप्शनल है। चाहे तो आप अपनी कंपनी की इमेज को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें अपने कंपनी का बैकग्राउंड डाल सकते हैं कि मेरा इतना वैल्यूएशन है कंपनी का, इतना सालाना टर्नओवर है ना, इतनी जगह कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वगैरह वगैरह सब आप यहाँ पर डाल सकते हैं दोस्तों, है ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और साथ साथ आप कहेंगे सर प्रपोज्ड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है भाई, कोई भी बिजनेस प्रपोजल बिना प्रॉब्लम के तो कोई नहीं देता, याद रखना। कोई ना कोई कंपनी में प्रॉब्लम चल रही होगी, उसको लेकर ही हम क्या करते हैं, दूसरे की सहायता मांगते हैं और उसे प्रपोज करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी और साथ साथ उसे सोल्यूशन भी बताना पड़ेगा कि यदि आप मुझे इस लेवल पर सपोर्ट करें तो उसका सोल्यूशन ये है। मेरी समस्या ये, मान लीजिए मेरी कंपनी में फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, लेकिन अगर आप इतने करोड़ का निवेश करेंगे तो हम सोल्यूशन तक भी पहुंच जाएंगे सर। तो आपको प्रॉब्लम भी समझानी होगी सामने वाले इन्वेस्टर को और आपको सोल्यूशन भी बताना होगा। और एट द लास्ट आप अपनी क्वालिफिकेशन लिखेंगे, अपनी टीम के एक्सपर्टीज के बारे में लिखेंगे कि सर आपका पैसा डूबेगा नहीं, हमारी कंपनी के इतने एम्प्लॉय इतने एजुकेटेड हैं और इस लेवल का टारगेट अचीव कर लेते हैं। समझ में आया बिजनेस प्रपोजल का क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आएगा आप कर लेंगे इसको, डन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता, साइटेशंस क्या होती हैं। साइटेशंस आपको पता ही है, एविडेंस पत्र को साइटेशन कहते हैं। एकेडमिक राइटिंग में किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट होती हैं, कैसे फंडामेंटल रोल निभाती हैं, क्या साइटेशंस किसमें, एकेडमिक राइटिंग में। तो याद रखना, एकेडमिक राइटिंग के अंदर यदि क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता को बढ़ाना हो या फिर हमें प्लैगमेरिज्म को क्या करना हो, अवॉइड करना हो, तो इन दोनों ही कामों में हमारी मदद करता है कौन, आप कहेंगे सर साइटेशंस। साइटेशन सिमिलर लाइक सर्टिफिकेशंस, ठीक है। सपोर्टिंग एविडेंस, याद रखना कोई भी किसी भी मुद्दे को लेकर एकेडमिक राइटिंग में हमें एविडेंसेस देने, तो साइटेशंस बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। साथ साथ ट्रांसपेरेंसी एंड स्कॉलरली कन्वर्सेशन, ये भी किसके कारण आती है, किसी भी एकेडमिक राइटिंग में ये भी साइटेशंस के कारण ही आती है। कंटेक्स्ट एंड ऑथोरिटी, ये जो आपको क्वालिटीज चार देखने के लिए मिलेंगी, ये चारों ही क्वालिटी आपको एज इट इज पेपर में लिख के आनी है। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ साइटेशंस जो कि रोल निभाती है एकेडमिक राइटिंग के अंदर। यदि आप एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं और साइटेशंस की आपसे भूमिका पूछ ली जाती है, तो ये चार ऐसे डोमेन है जहां पर क्या करती है, साइटेशंस फंडामेंटली रोल निभाती है अपना एकेडमिक राइटिंग में। क्लियर दोस्त, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है ना दोस्त, ध्यान से समझना। ज्यादा बड़ा आपका कंटेंट बचा नहीं है, थोड़ा सा कंटेंट है, धीरे धीरे समझ लो। इन दोनों में से एक प्रकार का टेक्स्ट जरूर आता है, आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट और पर्सुएसिव टेक्स्ट। इसके अलावा एक्सपोजिटरी और नरेटिव भी आते हैं। एक्सपोजिटरी मैंने आपको पढ़ा दिया, नरेटिव आएगा तो पढ़ा देंगे। पर याद रखना इसी क्लास में से आपको 5 से 7 सवाल पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं, जाइए ज्वाइन कीजिए। आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट क्या होता है, जो कि आपको पता आर्ग्यूमेंट से बना होता है। क्या होता है, आर्ग्यूमेंट से बना होता है, जहां पर आप जो बोल रहे हैं या तो किसी चीज के फॉर में बोल रहे हैं या फिर अगेंस्ट। मान लीजिए या तो आप किसी चीज के कोई भी टॉपिक है उसके पक्ष में होंगे या फिर विपक्ष में होंगे, तो चाहे पक्ष में लिखिए चाहे विपक्ष में लिखिए, बोथ आर आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट। याद रखना है जो आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट होता है ये सामान्यतः क्या होता है, एविडेंसेस फ्रॉम बोथ साइड्स, आर्ग्यूमेंट्स इवन अपोजिंग व्यू पॉइंट्स। मतलब यहां पर आप कहेंगे आप फॉर में भी होंगे, टॉपिक के फॉर में भी होंगे और अगेंस्ट में भी, यानी कि आप टॉपिक के साथ भी होंगे और हो सकता है कि आप साथ ना हो, तो आप क्या होंगे दोस्त, आप होंगे अगेंस्ट टॉपिक के। ये ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, एज इट इज। आर्ग्यूमेंट में आप कुछ भी अपनी तरफ से नहीं डाल सकते, क्योंकि आर्ग्यूमेंट फुली डिपेंडेड ऑन, आप कहेंगे सर एविडेंसेस, एविडेंस पर क्या होती है, डिपेंड करती है। स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट का, इंट्रोडक्शन होगा, प्रोज एंड कॉन्स होंगे। आर्ग्यूमेंटेटिव टेस्ट जैसे मैंने कहा मोबाइल फोन्स बून और बैन, बताइए मोबाइल फोन वरदान है या फिर अभिशाप, इस प्रकार का जहां भी मुद्दा आपको दिखाई दे, बॉयज आर बेटर देन गर्ल्स या फिर गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज, इस तरीके के टॉपिक सभी क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट करने लायक होते हैं, इसलिए इन पर लिखा जाता है आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट। पर्सुएसिव टेक्स्ट क्या होता है, जब हम किसी भी मुद्दे पर ये चाहते हैं कि लोग सहमति दिखाएं, लोगों को क्या करना होता है, रीडर को कन्विंस करना होता है, रीडर को स्वीकार करना पड़ाते हैं हम, ऐसा मान लीजिए। चाहे सिंपल सेंटेंस में आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी कंडीशन हमें पैदा करनी होती है जहां पर रीडर हमारी बात से सहमत हो जाए, हमें रीडर को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपनी बात को स्वीकार करवाना है, कन्विंस करना है, ऐसे प्रकार के टेक्स्ट को पर्सुएसिव टेक्स्ट कहते हैं। इसका फोकस होता है फोकस ऑन एविडेंस दैट सपोर्ट्स द डिजायर्ड व्यू पॉइंट, जो भी डिजायर हमारी है। मान लीजिए आप सेल्स के पर्सन है और आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट सामने वाला व्यक्ति खरीदे, तो आपको वहां पर पर्सुएसिव टेक्स्ट का इस्तेमाल अपनी लैंग्वेज में करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, रीडर को कन्विंस करना पड़ेगा, सामने वाले श्रोता को या लिसनर को कन्विंस करना होगा अपने प्रोडक्ट को लेकर, तो आप उसे ढेर सारे एविडेंसेस देंगे कि सर हमारा प्रोडक्ट यहाँ यहाँ पर बेहतर रहा।
सब्जेक्टिविटी होती है, इट मीन्स यहाँ पर आप इमोशनली अपीलिंग भी यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे कि सर मेरी, देखा होगा आपने कई बार, सर प्लीज मेरी सैलरी का सवाल है, आप प्लीज इस प्रोडक्ट को खरीद लीजिए, तो इमोशनली आपको दिखाई देगा। साथ साथ इसमें एग्जाम्पल हो सकता है कि स्टोरी टेलिंग, कोई कहानी या फिर प्रॉब्लम सोल्यूशन वाला स्ट्रक्चर इसका होता है, कोई कहानी आप सुना सकते हैं। यह है आपका आर्गुमेंटेटिव एंड पर्सुएटिव टेक्स्ट, दो बार क्लास को देखना आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर दोस्त? चलिए मान लीजिए आप किसी बुक का रिव्यू कर रहे हैं। दोस्त आप क्या कर रहे हैं, किसी बुक का रिव्यू कर रहे हैं। मैंने आपको कोई भी एक बुक दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नोवेल दी, बहुत फेमस है, एटॉमिक हैबिट। मैंने आपको एटॉमिक हैबिट नाम की एक नोवेल दी, है ना, ये एक बुक दी और मैंने कहा आप इसका रिव्यू करिए। तो रिव्यू करते समय आप किन किन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि किसी भी बुक का रिव्यू करते समय किन किन चीजों को ध्यान में रखेंगे। भाई सबसे पहली बात तो बुक का बैकग्राउंड आप जानने की कोशिश करेंगे कि जो बुक का टाइटल है वो क्या है, ऑथर कौन है, है ना, उसका पब्लिकेशन डेट क्या है, ये भी आपको चेक करना चाहिए। साथ साथ आपको देखना होगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, ऑथर का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी ऑथर कौन है, किसी उठाई गिरी ने लिखी या फिर कोई वेल, आप कह सकते हैं क्वालिफाइड और आप कह सकते हैं वेल फेमस पर्सन है जिसने इस बुक को लिखा है, तो आप ऑथर के कंटेक्स्ट के बारे में जानेंगे। फिर आप पूरी समरी पढ़ना चाहेंगे, बिल्कुल सही बात है, कोई भी बुक हम लेते हैं तो सबसे पहले उसकी समरी सर्च करते हैं ना थोड़ी सी, कि इस बुक को यदि मैं पढ़ूं तो मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं होगा। चलिए एक बार इसका कथानक टाइप देखते हैं, इसका एक समरी देखते हैं। जैसे मूवी देखने से पहले लोग ट्रेलर देख के जाते हैं, उसी तरीके से समरी ऑफ प्लॉट क्या होता है, ट्रेलर ऑफ बुक होता है, इसको भी आपको चेक करना पड़ता है। एनालिसिस ऑफ की एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स जैसे बुक के अंदर प्लॉट्स, प्लॉट का मतलब आपको मैंने कितनी बार बताया है, प्लॉट का मतलब होता है इंसिडेंट, सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट इज प्लॉट। क्या क्या बुक के अंदर आप कहेंगे इंसिडेंट्स होने वाले हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, राइटिंग स्टाइल क्या है बुक का और बुक की थीम क्या है, ये चारों चीजें भी एस्पेक्ट होती है जब आप एक बुक को रिव्यू करना चाहते हैं। भाई आप ही सोचें हम एक बुक को रिव्यू क्यों करना चाहते हैं, आप कहेंगे सर सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि हम डिक्लेयर कर सकें कि बुक सही है या फिर बुक खराब है, तो उसके लिए आपको ये चार एस्पेक्ट भी देखने पड़ेंगे और लास्ट में आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे कि ये बुक सही है या नहीं है, मुझे पढ़नी चाहिए या फिर दूसरों को सजेस्ट या रिकमेंड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। यू हैव टू फोकस ऑन इट, इस चीज पर आपको फोकस करना पड़ेगा। चलिए द की एस्पेक्ट टू कंसीडर व्हाइल राइटिंग अ मीटिंग रिपोर्ट, मान लीजिए आपको एक मीटिंग रिपोर्ट लिखने के लिए दी गई है तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, है ना, जब आप क्या कर रहे हैं मीटिंग रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दोस्तों लिखनी ही पड़ेगी। जैसे आपको मीटिंग का टाइटल लिखना पड़ेगा, डेट और टाइम लिखना पड़ेगा और मीटिंग कहाँ हुई लोकेशन भी लिखनी पड़ेगी। साथ साथ आप अटेंडीज की लिस्ट भी बनाएंगे कि इस मीटिंग को अटेंड करने वाले कितने लोग थे। कुछ कंपनियों में आपने देखा होगा मीटिंग को अटेंड करने वाले लोगों को पैसे मिलते हैं, है ना, जिसे आप कहते हैं बोनस मनी। अब ये बोनस मनी चाहिए तो अटेंडेंस तो लेनी पड़ेगी ना, कौन कौन से अटेंडीज थे वहां पर, कौन कौन उपस्थित था, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी ही पड़ेगी जब आप क्या कर रहे होंगे कोई भी मीटिंग रिपोर्ट लिख रहे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ और चीजें जैसे एजेंडा ओवरव्यू, हर मीटिंग का कोई ना कोई एजेंडा लक्ष्य होता है, कोई मीटिंग ऐसी तो की नहीं जाती, तो जो भी मेन टॉपिक है वो भी आपकी रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए, किसके ऊपर क्या हुई थी मीटिंग हुई थी, की पॉइंट्स में क्या है, उस मीटिंग के अंदर जो भी मेन मेन पॉइंट्स रखेगा उनको आपको समराइज अपनी रिपोर्ट में करना होगा। मान लीजिए मीटिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई थी कंपनी घाटे में जा रही है तो क्यों, तो जो जो रीजन मीटिंग के अंदर निकले उन सभी को आपको रिपोर्ट के अंदर समराइज करना पड़ेगा। डिस्कशन आपको उसके अंदर डालना पड़ेगा कि लोगों ने आपस में क्या व्यू पॉइंट दिए, लोगों ने क्या डिबेट्स की, ठीक है, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। साथ साथ आने वाले समय में कंपनी क्या एक्शन ले सकती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकती है, या फिर आप कह सकते हैं क्या एक्शंस लेने वाली है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये सब कुछ आपको रिपोर्ट के अंदर डालना पड़ेगा। तो जब आप एक मीटिंग रिपोर्ट लिख रहे हो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेकर और आप कहेंगे कौन सी इन्फॉर्मेशन तक, आपको एजेंडा और डिस्कशन पॉइंट्स तक भी सब कुछ क्या करना पड़ेगा, एक मीटिंग रिपोर्ट के अंदर ऐड करना ही पड़ेगा। क्लियर दोस्त? यहां तक किसी को परेशानी समस्या तो नहीं? देखिए कॉपीराइट क्या होता है, आपको पता है कॉपीराइट आज के समय में हर जगह है। कॉपीराइट का मतलब होता है जब हमारा कंटेंट, हमारी कोई वस्तु दूसरा व्यक्ति कॉपी कर ले, हमने उसे बनाया मेहनत से, उस व्यक्ति ने चुरा लिया, इसे कहते हैं कॉपीराइट पॉलिसी। कॉपीराइट मतलब हमारे कंटेंट को कोई और ना चुरा पाए। कॉपीराइट इज अ लीगल राइट। लीगल राइट क्यों दिया सरकार ने इसको, क्योंकि जिस व्यक्ति का काम है उसी को तो बेनिफिट मिलना चाहिए। दूसरा व्यक्ति चुरा रहा है तो कोई आविष्कार ही नहीं करेगा। मान लीजिए मैंने पेन बनाया और पेन की टेक्नोलॉजी मैंने बनाई मेहनत करके 5 साल में और तुमने चुरा ली, है ना, और उस पर एक बिजनेस खड़ा कर लिया, तो मैं फिर आगे आविष्कार क्यों करूंगा। तो कॉपीराइट जो है एक लीगल राइट सरकार ने बनाया ताकि लोगों का जो ओरिजिनल वर्क है उसकी ऑथरशिप लोगों को मिल पाए, उसकी अथॉरिटी लोगों को मिल पाए। समानता कॉपीराइट कहां कहां आपको मिलेगा, लिटरल वर्क्स में, किसी बुक पर, किसी पोएम पर, किसी आर्टिकल पर भी आप कॉपीराइट ले सकते हैं। प्लेज हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, आप तो मूवीज पर, वेब सीरीज पर भी कॉपीराइट मिल जाता है।
म्यूजिकल सॉन्ग्स पर, कंपोजिशंस पर, कंपोजिशन मतलब आप कहेंगे बीट वगैरह पर भी आप कॉपीराइट ले सकते हैं, आर्टिस्टिक व्यू जैसे पेंटिंग्स पर कॉपीराइट, फोटोग्राफ्स पर कॉपीराइट, स्कल्पचर्स मूर्तियों पर भी कॉपीराइट, बिल्डिंग तक पर कॉपीराइट आपको मिलता है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर तो सबसे ज्यादा कॉपीराइट्स होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इवन यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम की रील्स पर भी अब आपके आज क्या कर सकते हैं, कॉपीराइट आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपीराइट का मतलब है आपका कंटेंट प्योर रहना चाहिए, कोई और उसका इस्तेमाल ना कर पाए। क्लियर दोस्त? यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं? ठीक। अब कॉपीराइट को हम कैसे बनाए रख सकते हैं आप ही बताइए, है ना। कॉपीराइट गिव्स द क्रिएटर एक्सक्लूसिव राइट्स टू, किस किस चीज का राइट हमें कॉपीराइट के मिलता है। मान लीजिए मैं कॉपीराइट होल्डर हूं, जैसे हमारा कंटेंट भी, ये जो आप क्लास देख रहे हैं इसे भी हमने कॉपीराइट करा रखा है, आप क्या नहीं कर सकते, इसको कॉपी करके तुरंत यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो हमें क्या क्या मिलता है इससे, रिप्रोड्यूस द वर्क, कोई भी व्यक्ति हमारी वर्क को जैसे हमारी क्लास को डाउनलोड करके दोबारा डालेगा, हमें तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ द वर्क, याद रखना दोस्तों हम अपने कंटेंट को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा नहीं बेच सकता, यही कॉपीराइट पॉलिसी होती है। मान लीजिए हमारे नोट्स हैं तो कॉपीराइटेड होते हैं, आप उन्हें रीसेल नहीं कर सकते। क्रिएट डेरिवेट वर्क्स मतलब एडेप्टेशंस एंड ट्रांसलेशंस, मतलब कोई भी व्यक्ति हमारे वर्क को ट्रांसलेट नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी कोई किताब इंग्लिश में छपी, उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बेचा नहीं जा सकता दोस्त, उसको एज इट इज हिंदी में ट्रांसलेट करके आप नहीं बेच सकते, इट मीन्स ये कॉपीराइटेड कंटेंट होता है एनसीईआरटी का भी, याद रहेगा इतनी सी बात। साथ साथ आप पब्लिकली डिस्प्ले नहीं कर सकते, मान लीजिए कोई प्ले और म्यूजिक है आपने उसे उठाया, मान लीजिए एनीवे का कोई सॉन्ग उठाया और यूट्यूब पर दोबारा पब्लिश कर दे जबकि वो कॉपीराइटेड है, तो तुरंत उस पर कॉपीराइट आ जाएगा दोस्त, उस पर तुरंत क्या होगा, आप कहेंगे सर उस पर तुरंत कॉपीराइट आ जाएगा और आपकी जो म्यूजिक वीडियो है वो तुरंत चैनल क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, या फिर आपके ऊपर एक मिला जाएगी जिस पर लिखा होगा कॉपीराइट क्लेम, मतलब वीडियो आप डालेंगे और पैसा जाएगा कॉपीराइट ओनर के पास, मोनेटाइज नहीं होती वो वीडियो, तो ये बात आपको पता ही है, दैट इज कॉपीराइट। दो प्रकार के टेक्स्ट और होते हैं दोस्तों, एक्सपोजिटरी तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, पहले एक्सपोजिटरी रिवाइज कराऊंगा फिर नरेटिव पर भी आएंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है क्वेश्चन। देखिए एक्सपोजिटरी राइटिंग को एक बार और मैं आपको यहां पर क्या करता हूं समराइज, एक्सपोज मतलब किसी चीज में इंफॉर्मेशन देना, एक्सप्लेनेशन देना, और किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर लिखी जाती है, बात आपको याद रखनी है कि एक्सपोजिटरी राइटिंग हमेशा एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर लिखी जाती है, याद रखना। इसका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, बॉडी पैराग्राफ लिखना पड़ेगा और कंक्लूजन, इट मींस आप कहेंगे सर थ्री स्टेप स्ट्रक्चर इसका होता है, थ्री स्टेप्स स्ट्रक्चर। यहां पर एक क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, मतलब यहां पर आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, आप किसी का भी पक्ष नहीं ले सकते, जैसे टेक्स्ट बुक है, आर्टिकल्स है आपका, गाइड्स है आपकी, रिफ्रेशर्स है या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक्स है, सभी क्या होती है आपकी एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है। लेकिन नरेटिव राइटिंग में आपको कोई ना कोई स्टोरी सुनाई जाती है, ये इसका उद्देश्य कोई आपको क्या नहीं करना होता, इन्फॉर्म या फिर नॉलेज देना नहीं होता, इसका उद्देश्य होता सिर्फ रीडर्स का क्या करना, इमोशंस को मैनेज करना। स्टोरी देख लेना आप, हमेशा किसी ना किसी इमोशन को आपके अंदर जागृत करेगी। इसके साथ साथ आप कहेंगे यहां पर एक क्लियर बिगिनिंग मिडल और एंड होता है, यहां पर कोई इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं होता, यहां पर अच्छी तरीके से शुरुआत करें, कहानी को आगे बढ़ाएं और उस कहानी को आगे बढ़ा के उसका एंड करें, समझ में आया। यहां पर जो लैंग्वेज होती है दोस्तों विविड लैंग्वेज का यूज किया जाता है, हो सकता है कि डायलॉग हो सकता है कि इसमें ह्यूमर हो, इमोशन हो, कहानी में तो कुछ भी हो सकता है। साथ साथ आपको याद रखना जैसे मान लीजिए नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, मेमोरीज हैं, ये सभी क्या होती है दोस्तों आपकी नरेटिव टेक्स्ट के अंदर आती हैं। तो मुझे नहीं लगता है सारे क्वेश्चंस आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट किए होंगे, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं ये सारे ही क्वेश्चंस कल के एग्जाम में छपने वाले हैं। इस क्लास को हर उस बच्चे तक शेयर कर देना जिसको लगता है मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, हम आपको फेल होने से बचाने के लिए क्लास आपको बनाई है, यहाँ से क्वेश्चन ना फंसे तब की बात है दोस्तों, 100% यहाँ से सवाल आएंगे। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।